गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फूड कॉरपोरेशन इंडिया की तरफ से कुछ नई वैकेंसीज आई हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वैकेंसीज जोन वाइज हैं। इंडिया में 4 तरह के जोन हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जोन वाइज हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉर्थ जोन से अप्लाई करना होगा। और ये वैकेंसीज सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, बीटेक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में होने वाली है। और मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और आप इंडिया के निवासी होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। आप पोस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे जोन वाइज दी गई हैं। और मैं आपको नीचे ले चलता हूँ तो मैं आपको पोस्ट बता दूँ कौन कौन सी है। यहाँ पे पोस्ट आपकी यहाँ पे मैनेजर की होने वाली है। मैनेजर यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, जैसे जनरल मैनेजर, डिपार्ट मूवमेंट। तो इन सभी में आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो और उसमें आपके 60% से अधिक मार्क्स होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपने बीकॉम या एमबीए किया है तो आप अकाउंट्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से हैं, आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है, बीटेक किया है, तो आप मैनेजर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर सिविल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई किया है तो आप मैनेजर इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है, ये 6 सितंबर से एक्टिवेट होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो मैं नीचे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आपका इसमें दो फेज में एग्ज़ाम होगा, जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपके डिपार्टमेंट वाइज होगा, जो आपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन की है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपके क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश से होने वाले हैं। अगर आपने बीएससी किया है तो आपका बैचलर ऑफ साइंस इंग्लिश और जीके जीएस से क्वेश्चन होने वाला है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपका इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जीके जीएस से भी आपके 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, आप किसी में भी चूज करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है तो आपका दो फेज में होगा। अगर आप पहला फेज क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड फेज के लिए जाएंगे। अगर आप दोनों फेज क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका एक इंटरव्यू होगा, आपका बेसिक इंटरव्यू, देन आपको जॉब पे रखा जाएगा। और जो इंजीनियरिंग टाइप जो फेज टू का आप अभी देख सकते हैं सिलेबस है, उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। 1 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स और रीजनिंग, जीके जीएस, कुछ थोड़े बहुत कंप्यूटर और मैथ्स के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, आप इजली इसको दे सकते हैं। और मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर मैं चल के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो चलिए ठीक है, मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको। आप सरकारी रिजल्ट से भी इसको चेक कर सकते हैं। और लिंक अभी 6 सितंबर से एक्टिवेट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।